क्या लगता है मायावती ने सरेंडर कर दिया है क्या आकाश आनंद को हटा के? देखिए आप बेहतर उन बातों को समझते हो, बेहतर समझते हो जो आप कह रहे हो। इसीलिए मैं अपील करूंगा संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए कोई भी अपना वोट खराब न करें। भारतीय जनता पार्टी से सीधा मुकाबला समाजवादी लोग कर रहे हैं। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें इस चुनाव में, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। मैं ये पता होना चाहिए पत्रकार साथियों, यहाँ भी तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जिन्हें कोई लेना देना नहीं है मंगलसूत्र से। एक हैं बीजेपी के नेता जो फरक्काबाद के लिए कह रहे थे कि फरक्काबाद के लोग चूसे गन्ना हाईवे ले गए ये और मैं आपसे कहना चाहता हूँ सबसे ज्यादा गरीबों ने अगर गिरवी सोना रखा है तो बीजेपी की सरकार में रखा है। आप आंकड़े निकलवा लेना बैंकों से, महंगाई के कारण और अपनी व्यक्तिगत परेशानी और उनके कारण सबसे ज्यादा गरीबों को अपने बैंकों में सोना गिरवी रखना पड़ा। जो सोना गिरवी रखवा रहे हैं उन्हें क्या परिवारों से लेना देना। राम मंदिर पर कहा है कि समाजवादी पार्टियों की गर्मी बढ़ गई चुनाव आते ही और सरकार बनते ही गर्मी शांत कर देंगे बीजेपी के। देखिए ये वो प्रधानमंत्री कह रहे थे, सीधा मुख्यमंत्री कह रहे हैं। जो ये वो लोग हैं जो खिसियाए घूम रहे हैं, इनसे पूछो इस बार जो नौजवान जिसकी परीक्षा रद्द हुई है वो इस सरकार की गर्मी उतारने जा रहा है। 60 लाख × 3 1,80,00,000 लोग इनके खिलाफ खड़े हैं। अग्निवीर जिन नौजवानों को नौकरी नहीं दी, जिनको 4 साल की नौकरी दी है, ये धरती वो है जिसने क्रांतिकारियों को पैदा किया। राम मंदिर पर क्या जहाँ शहीद हुए लोग वहाँ पर सोचो अग्निवीर जो लोग देश की रक्षा करने जा रहे हैं, ये अग्निवीर वाले लोग और किसान और अपने नौजवान जिनकी परीक्षा रद्द हुई है ये भारतीय जनता पार्टी को इस बार उखाड़ फेंक देंगे, इनको पलट देंगे। इसीलिए आपने देखा होगा इनकी भाषा क्या है, इनकी भाषा बदल गई। ये आरक्षण को खत्म वाले आरक्षण की बात कर रहे हैं। सोचो आप बताएं JNU में आज PDA परिवार के लोग कितने हैं नौकरी में, PHU में कितने हैं PDA परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं। केवल हमें 2 का हिसाब दे दें अगर तो। इसलिए जिस समय बहुजन समाज और जो आरक्षण का हक और सम्मान मांग रहे हैं जाग जाएंगे, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी की गर्मी निकल जाएगी और ठंडे हो जाएंगे।